हम इस वक्त भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं। ये सूरजनगर इलाका है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पंचायत लगी है हम कहें तो। क्या चर्चाएं चल रही है ये जरूर समझेंगे दादा, क्या चल रहा है? चुनाव भी आ गए, चुनाव या फिर हम कहेंगे मसले क्या है आप लोगों की चर्चाओं के? अभी सब बढ़िया, मसले कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, चलता रहे, हमें प्रत्याशी दूसरा मिल जाए जी, अच्छे नहीं पार्टी तो वही है, पार्टी वही रहे, बढ़िया चल रहा हो, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो कुछ अब दादा ही तो है ही, मोदी दादा। अच्छा, और मोदी दादा की, अच्छा मोदी दादा है बस। हाँ, मोदी दादा है। हाँ, और सब जिंदाबाद है। हाँ, अकेले थोड़े इतना ही है कि हाँ जो सांसद हैं इस समय पे, अब वो लाचार समझो या कुछ भी है, इस वजह से अगर चेंज हो जाए तो और अच्छी बात है, तो थोड़े का है कि जनता के बीच में आए और मिलती जुलती रहे। अब वो चल फिर नहीं पाती तो वो, अच्छा कभी आई है यहाँ पर? अभी तो चुनाव के टाइम पे ही देखी, जब से अभी तक नहीं आई। अच्छा, हाँ इस वजह से ही कि अब वो कर रही होंगी अपने काम, खैर हाँ जो करने के उनके वे काम कर रही हैं वो। वोट लेने के बाद फिर नहीं देगी, पब्लिक है कि चली गई क्या है। हाँ, हाँ, तो ऐसे कैंडिडेट से क्या मतलब? हाँ, तो ऊपर तक नाम बदनाम वो कर रहा है, पब्लिक गुमराह कर रहा है, बस का मतलब है ऐसा नहीं। सही सही बात, सही बात। जैसे आपको जिताया तो आप यहाँ आओ तो भलाई काम में। हाँ, करो, चार लोगों ने देखा तो नहीं भैया जी आए, जिताया है तो आना चाहिए। आप पूछने भी आइए, दादा मुस्कुरा रहे थे अभी आप। सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया जी। तो दादा मुस्कुरा रहे हैं, एक और भाई साहब हमारे साथ। हाँ भैया, क्या है लोकसभा में? लोकसभा में बीजेपी है और क्या है, बीजेपी चलेगी। मुद्दे क्या है आपको? नहीं, विकास हो ही गया है, सब व्यवस्था है, सही है यहाँ पे, कोई समस्या भी नहीं है। अगर समस्या हो आदमी तो फिर बोले, यहाँ पे कोई समस्या नहीं दिख रही इस हिसाब से जी। पार्षद भी, विधायक भी, सब जो परिचित वाले हैं, घर वाले आदमी, जितने टाइम बुलाओ उतने टाइम आ जाते हैं जी। चलो, ये बात ठीक है यहाँ पर कि भाई उम्मीदवार या जो लोकसभा का चेहरा है वो बदल जाना चाहिए, बाकी किसी तरह से कोई परेशानी इन्हें है नहीं। तो चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मन का हाल, क्या चाहते हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर। भोपाल का ये न्यू मार्केट इलाका है, प्रसिद्ध मार्केट है, बहुत बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर पहुंचता है, कुछ युवा हमारे साथ हैं। भोपाल सांसद को जानते हैं आप? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। अच्छा, कभी मिले हैं? बिल्कुल, एक बार मिला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है भोपाल के मुद्दे क्या हैं? भोपाल में तो कई मुद्दे हैं सर, लेकिन उनका जो एक अलग हिंदुत्व का जो चेहरा वो रही हैं, और उनका थोड़ा सा एक दबंग छवि जो उनका है उसके लिए वो जानी जाती है। हम भी जब मिले थे तो उनसे वही परिचय भी हुआ उनके साथ, वही एक रुतबा है उनके अंदर, उसी जो अपना एक है कि दिग्विजय सिंह को हराना कोई मामूली बात नहीं है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा को कोई हरा दे रहा है तो बहुत कुछ तो बात होगी जो हरा दिया उनको। अच्छा, ठीक बात है। अब भोपाल के लोकल इश्यू आपको लगता है कुछ जिन्हें एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर बड़ी बात होती है सड़कों की हालत की, बड़ी बात होती है, पर आप पुराने भोपाल में चले जाएंगे तो मुझे लगता है विकास के ज्यादातर वादे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। सड़कों की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे, समझ में नहीं आता है। और साध्वी प्रज्ञा जी यहाँ की सांसद हैं, पर मुझे लगा कि उनको उस तरह का समर्थन मिला नहीं, अपने ही नेताओं से नहीं मिला, वो अपने ही नेताओं में कहीं गुमी हुई नजर आती हैं। मतलब कि एक तरफ प्रधानमंत्री उनसे नाराज चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो लोकल नेता है वो उनको अपनी रैली में नहीं बुलाना चाह रहे हैं, उनको मंच में पोस्टर्स में जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे में मुझे तो बड़ा संशय होता है कि इस बार उनको टिकट मिल भी पाएगा सांसद का या नहीं मिल पाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। सड़कों की हालत तो बहुत बुरी है, कोई फिजा के सड़कों की हालत तो बहुत ही बुरी है, वहाँ पे आए दिन गटर भरते रहते हैं और सड़क टूटे हुए मिलते हैं जी। विकास जी। तो डबल नहीं चौबल होना चाहिए जी। लेकिन मोदी जैसा कोई मिले तो जी। है ही नहीं कोई मोदी जैसा, कम से कम 8-10 मोदी तो पैदा होने ही चाहिए। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं, पर आप सोचिए कि भारत की संप्रभुता को आज कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मैं इसलिए सिर्फ सर 4 लाइन कहना चाहूंगा ताकि आपके दर्शक भी समझ पाए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, क्योंकि ये जो भारत है ना हमारा, एक गुलिस्ता के समान है, इसमें अलग अलग रंगों के फूल है, हर रंग की अपनी खुशबू है, अपना रंग है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान के गुलिस्ता में एक ही रंग का फूल रहेगा, एक ही रंग की खुशबू रहेगी एक ही फूल की। तो
ये हमारी अनेकता में एकता है, इसको बने रहना चाहिए। चुनाव के कारण जो नेता भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही इन युवा ने। अब एक राम मंदिर का जिक्र आया यहाँ पर लोकसभा में, राम मंदिर मुद्दा है इस बार? राम मंदिर तो इतना है कि अनंत भी हो जाए तो भी लोगों को कम पड़ने वाला है। राम कभी सुस्ता नहीं सकते और राम के भक्त कभी शान में जी नहीं सकते, उनको तो तड़प रहती है राम की। राम ने जो तड़पाया है, जन जन को तड़पा दिया राम ने, उनने इतने कांटे खाए हैं वन के कि आज भी जनता उनके दुखों से रोती है। लेकिन कहाँ आए थे, कहाँ चले गए, किसी को नहीं मालूम। राम आ गए पर राम राज्य क्या आया है जी? तो चले राम आ गए हैं, राम राज्य की अभी दरकार है और बहुत सारे विचार हैं, और भी बहुत सारे विचार हम जानेंगे। आइए चलते हैं न्यू मार्केट में, भी हम आए हैं न्यू मार्केट के, हम कुछ शॉपकीपर्स से भी बात करेंगे। कुछ लोग लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये एक शॉप है जहां मेहंदी लगाने का काम होता है। कब से काम कर रहे हैं आप ये मेहंदी का? हम 84-85 से कर रहे हैं भैया, फुटपाथ पे ही बैठे हुए हैं। न्यू मार्केट में बैठे दिग्विजय सिंह के राज से, तो अभी तक कोई परेशानी नहीं है हमारे को मेहंदी लगाने में। और सब अच्छे से, कस्टमर भी आ जाते हैं, चाहे अच्छे से बैठ के भी चले जाते हैं, मेहंदी भी लगवा लेते हैं अच्छे से। अच्छा, तो कुछ बदलाव आपको लगता है कि जरूरत है इस मार्केट में? बदलाव तो है ना भैया, क्योंकि लेडीज का अलग होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, इसलिए दिक्कत आती है। लेडीज दो दो घंटे तक बैठी रहती है हमारे पास, तो इस वजह से। कहाँ से आए भैया? मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से। अच्छा अच्छा, अरे मोहन जी की नगरी से। जी 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 साहब, कैसा लगा भोपाल? बहुत बढ़िया भोपाल तो, हाँ हिल की नगरी भोपाल तो। जी जी, तो आपको लगता है कि राजधानी के लिहाज से जैसा विकसित होना चाहिए भोपाल को, इंदौर आपके बाजू का शहर, इंदौर कितना विकसित है, भोपाल में भी वैसी कुछ तस्वीर नहीं बन रही अभी? हाँ नहीं नहीं, मोहन जी हमारे है नेता, क्या है तो वो करेंगे, आप विकसित करेंगे, उज्जैन भी करेंगे, भोपाल भी करेंगे, इंदौर भी करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश उनके हाथ में है और वो करेंगे। परिवार का खर्चा चल जाता है, लेकिन जब सीजन होता है खासतौर से, तब एक बड़ा मसला इनके लिए हो जाता है। अब लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल समस्याएं क्या है भोपाल की। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं और दिव्यांग हैं, लेकिन ये करीब 3 दशकों से यहाँ पर लगातार ये दुकान लगा रहे हैं। क्या बदला है इस मार्केट में, न्यू मार्केट जिसका हम जिक्र करें? दूसरा, लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर इनकी क्या और डिमांड है या क्या मशविरा है? जी यही मशविरा है कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था चारों तरफ, ये अभी जो पेट पार्किंग थी वो उसमें तो ग्राहकी ठीक आते जाते थे, वो पेट पार्किंग भी खत्म कर दी। टू व्हीलर मेन बात तो मध्यम वर्गी की ग्राहकी होती है, अब वो फोर व्हीलर की पार्किंग है, फोर व्हीलर वाले उतना नहीं लेते देते, और ये टू व्हीलर पार्किंग टोटल खत्म कर दी उनने। कभी जनप्रतिनिधियों ने आप लोगों की बात सुनी? नहीं, जनप्रतिनिधि कभी ऐसा छोटे मोटे कार्य को ध्यान नहीं देते वो लोग। पार्किंग की व्यवस्था चूंकि खत्म कर दी गई, उसका असर ये हुआ कि अब ग्राहकों का आना यहाँ कम हो गया है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, समस्याएं समझेंगे क्या है, चलते हैं। हम इस वक्त बंगरसिया चौराहा पे हैं। आपको बता दें ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में कहलाता है और हुजूर विधानसभा का हिस्सा है। एक और बड़ी बात, बंगरसिया गांव को यहाँ की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोद लिया था, लेकिन उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, इसी गाँव से आप? जी भैया जी। क्या काम किया अभी तक आपकी सांसद हैं, आप मिले कभी उनसे? नहीं, अपन नहीं मिले, बंगरसिया नहीं आई आज तक। अच्छा, और काम तो सुना अपन ने पंचायत में है कि शमशान घाट में ब्लॉक लगवाए हैं, 5-6 लाख रुपए दिए थे जिससे ब्लॉक का काम हुआ, बाकी और कोई काम सांसद निधि से नहीं हुआ। गोद लिया हुआ है सांसद महोदया ने आपके गांव को? हाँ, ये तो गोद तो लिए रखा है, लिखित में है, पंचायत को ग्राम मंगरसिया गोद ले रखा है सांसद ने, और बाकी काम कुछ नहीं हुआ, ब्लॉक का काम हुआ, बाकी आज तक 5 सालों में आई नहीं है। लास्ट टाइम जो लोकसभा के चुनाव थे उस समय तो हमने देखा था उनको वोट मांगने के लिए। अच्छा। इसके बाद अभी पिछले 5 सालों में तो नहीं देखा यहाँ पर जी। काम आपको जो याद हो कोई उन्होंने किया है गोद लेने के बाद इस क्षेत्र को? काम का तो ऐसा है, लगभग काम अपने हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लगभग हो ही रहा है, वो उसमें सरकार का कोई वो नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है,
व्यक्ति विशेष के हिसाब से जो ग्रो हो रहा है मार्केट वो हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कोई क्रेडिट अगर बोलेंगे कि भाई सांसद को जाता है या पार्षद को या विधायक को, तो ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिला है। इस क्षेत्र को कब से देख रहे हैं, कैसा कुछ लगता है कि समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है? हाँ सर, यहाँ पे 3-4 तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं सर जी। एक मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है सर, जिसमें आईसर ट्रक बस इंजन का वो ही बनता है। फिर एक नया 110-12 एकड़ में और इंडस्ट्री एरिया आया है जी। और रोड का भी काम है सर, 34 मील है जो आपका, 11 मील से पूरा 4 लाइन होने को है अभी। अच्छा। और भी भोजपुर टेम्पल है सर, यहाँ 7 किलोमीटर दूर, वो भी प्राचीन मंदिर है जी। अब उसके लिए रोड वगैरह बन रहा है। तो बंगरसिया का एक बार फिर मैं कहूंगा, जैसे कि एक बार तस्वीर जरूर दिखा दें। ये मेन चौराहा है बंगरसिया का और ये रोड भी 4 लेन होनी है। इस ट्रैक पर अगर हम कहें, अजय दिखाएं जरा, ये सीधा यहाँ से भोजपुर रोड जाता है, हेरिटेज साइट कहें या फिर हम कहें कि ये पर्यटन स्थल भी है, लेकिन उस लिहाज से विकास होना चाहिए जिस लिहाज से वैसा नजर आता नहीं है। बंगरसिया में तो पूरे में चारों ओर विकास ही है, बीजेपी के राज में बहुत कुछ विकास हुआ, कुछ काम ही नहीं बचा है। रोड नाली आप चाहो तो देख लो पूरे गाँव में। कचरे वचरे के लिए भी वो गाड़ी चलने लगी है, पहले कुछ नहीं था, जहाँ मर्जी आदमी कचरा फेंक देता था, आजकल गाड़ी भी चलने लगी है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस गांव को गोद लिया था और जो एकमात्र काम किया है वो ये, मेरे जहां पर हम खड़े हुए हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये पेवर ब्लॉक 5 लाख रुपए में लगवाए गए थे और इसके बाद ना इस गांव में कोई काम हुआ और ना ही इस शमशान घाट में कोई और काम किया गया है। गंदगी नजर आ रही है, साफ सफाई भी नजर नहीं आ रही, बाकी सब यूं ही पड़ा हुआ है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल योजना के तहत गांव को गोद तो ले लिया गया लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं गया। भोपाल लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं और राज्यसभा सांसद माया नारोलिया जी हमारे साथ इस वक्त हैं। भोपाल लोकसभा में इस बार बीजेपी किन मुद्दों के साथ जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के विकसित भारत संकल्प के मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी भोपाल क्या पूरी देश भर की लोकसभा में जाएगी। और मैं आपसे ये बहुत अच्छे से कह देना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देवीय शक्ति का स्वरूप है, एक साधारण मानव के बस की ये बात नहीं है, असाधारण प्रतिभा के धनी, जिन्होंने जिनका संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ भारत, युवाओं को अवसर देने का भारत, किसानों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाला भारत, गरीबी को मिटाकर सबको समानता के साथ जीवन देने का भारत, ये जो उनके सपने हैं वो सारे के सारे मुद्दे हमारे, चाहे वो भोपाल लोकसभा हो चाहे अन्य कोई लोकसभा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के ये मुद्दे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई व्यक्ति का वो नहीं रहेगा, कमल का फूल। अभी आपने सुना बीजेपी सांसद माया नारोलिया को और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक पीसी शर्मा जी हैं। पीसी शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में भोपाल लोकसभा में लंबे समय से हार कांग्रेस को मिलती आई, इस बार कौन से मुद्दे के साथ आप जाएंगे चुनाव में? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई, इस पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ये अब लोकसभा का जो अंतर है भोपाल का, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1.5-2 लाख और 1.5 लाख के बीच में है। और इसको जो नया जो माहौल इस समय, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं, इसलिए तरह तरह के ईडी एक्शन, सीबीआई एक्शन, सरकार बदलना, कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर को तोड़ना, इसका मतलब ये डरे हुए हैं। और ये मान के चलिए कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भोपाल सीट हम जीतेंगे। पीसी शर्मा जी, जिन्हें लगता है कि इस बार तस्वीर बदलने वाली है, न केवल भोपाल में बल्कि देश में भी, कहता है वोटर में हमने बात की भोपाल लोकसभा के मतदाताओं से, उनके मुद्दों को समझा, तो आज के इस एपिसोड में कहता है वोटर के मैं बस इतना ही, अगले कहता है वोटर में हम बात करेंगे भोपाल लोकसभा के ग्रामीण मतदाताओं से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।